नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इंडोनेशिया का एक KRI नागला सबमरीन 21 अप्रैल 2021 यानी बुधवार से मिसिंग है। KRI नागला 40 साल पुराना एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ज़्यादा समय तक बिना ऑक्सीजन के पानी में नहीं रह सकते। वहीं इस सबमरीन ने अपना संपर्क नेवल बेस से तब खो दिया जब वे बाली आइलैंड के आसपास टॉर्पीडो लॉन्च का अभ्यास कर रहे थे और तभी से इसकी खोजबीन जारी है। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि KRI नागला में 53 लोग फंसे हैं और इस सबमरीन में 24 तारीख तक का ऑक्सीजन सप्लाई है। ये ऑक्सीजन सप्लाई अचानक से घट नहीं जाएगा, ये धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। अब इस सबमरीन को खोजने के लिए भारत सरकार ने हर तरह की मदद करने का वादा इंडोनेशिया सरकार को किया है। मदद के तौर पर इंडियन नेवी ने अपने DSRV को भेजा है। दोस्तों, DSRV यानी डीप रिसर्च एंड रेस्क्यू व्हीकल होता है। ये एक सबमरीन रिसर्च एंड रेस्क्यू व्हीकल है और इंडियन नेवी अभी के समय में ऐसे दो सर्चर व्हीकल का इस्तेमाल करती है। अब इंडियन नेवी ने दोनों ही DSRV को इंडोनेशिया की मदद के लिए भेजा है। आज के इस वीडियो में हम DSRV के बारे में बात करेंगे और इसके कैपेबिलिटीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। इंडोनेशिया नेवी ने ये कन्फर्म किया है कि उनका सबमरीन डूब चुका है। उस सबमरीन में जो 53 लोग बैठे थे वो अभी के समय में मिसिंग है। इंडोनेशियन नेवी का कहना है कि उन्होंने सबमरीन के मलबे प्राप्त किए हैं। इन मलबों में वो कंपोनेंट्स भी पाए गए हैं जो सबमरीन के वेसल के अंदर में लगे होते हैं और फिलहाल अभी के समय में सबमरीन और उनके 53 क्रू दोनों ही मिसिंग हैं और उनकी खोजबीन अभी भी जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि टॉर्पीडो लॉन्च के दौरान हो सकता है कि इस सबमरीन से टॉर्पीडो लॉन्च फेल हो गया हो और टॉर्पीडो सबमरीन के अंदर फट गया हो। डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल DSRV एक तरह का डीप सबमर्जेंस व्हीकल है जो पानी की गहराई में जाने में सक्षम है और इस तरह के व्हीकल का इस्तेमाल हम डूबे हुए सबमरीन्स को रेस्क्यू करने के लिए करते हैं और कभी कभी नेवी इस तरह के व्हीकल का इस्तेमाल खुफिया मिशन के लिए भी करती है। इंडियन नेवी के DSRV की बात करें तो इसे पहली बार 2018 में इंडक्ट किया गया था, वहीं दूसरी DSRV को 2019 में शामिल किया गया था। इंडियन नेवी ने DSRV को UK बेस्ड कंपनी जेम्स फिशर एंड सन्स PLC से परचेस किया है और इंडियन नेवी को इस तरह के व्हीकल की रिक्वायरमेंट लिमिटेड नंबर में है, जिस वजह से हम इसे घरेलू तौर पर नहीं बनाते हैं। लेकिन अभी इंडिया में बहुत से ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो इस तरह के व्हीकल्स पर काम कर रहे हैं, जिसे एक्सपोर्ट पर्पस से भारत में बनाया जाएगा और आने वाले 5 सालों में हम इस तरह के व्हीकल्स को फ्रीक्वेंटली देखेंगे भारत के रक्षा क्षेत्र में। आइए जानते हैं कि DSRV काम कैसे करता है। DSRV सबमरीन से ज़्यादा गहराई में जा सकते हैं। DSRV में साइड स्कैन सोनार SSS और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल ROV लगा होता है, जिस वजह से ये एक निश्चित गहराई से सबमरीन को सर्च करते रहते हैं। साइड स्कैन सोनार सबमरीन के सिग्नेचर को ढूंढने में मदद करते हैं। वहीं रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल ROV की मदद से DSRV एक निश्चित गहराई पर बने रहते हैं, वहीं ROV से सबमरीन को सर्च करते रहते हैं। इनके ROV पानी में 1000 मीटर तक की गहराई में जाकर सर्च कर सकते हैं, जिसे DSRV से रिमोटली ऑपरेट किया जाता है। जैसे ही ये किसी सबमरीन को खोज लेते हैं, तब DSRV के सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल SRV की मदद से सबमरीन के टॉप कवर के साथ ये चिपक जाते हैं और लैडर की मदद से कवर से होते हुए लोगों को बचा लिया जाता है। DSRV के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसका ऑपरेटिंग डेप्थ 500 मीटर सी वाटर है और इसमें 3 क्रू के साथ 14 लोग को बैठने की जगह है। ये पानी के अंदर 3 नॉट्स की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। वहीं इसे लगातार 12 घंटों तक इस्तेमाल किया जा सकता है और इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट के तौर पर इसे लगातार 108 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मैक्सिमम मेटिंग एंगल 60 डिग्री है, यानी 60 डिग्री तक ये सबमरीन के टॉप डोर में एडजस्ट करके जुड़ जाते हैं। DSRV को शिप या एयरलिफ्ट किया जा सकता है। वहीं इसमें 1200 kg तक के पेलोड को ढोने की क्षमता है।
डीएसआरवी के प्रोपल्शन सिस्टम की बात करें तो इसमें 2 15 किलोवाट के इलेक्ट्रिक मोटर है, वहीं 4 ऑक्सिलरी इलेक्ट्रिक मोटर दिए गए हैं। इसमें पावर सोर्स के लिए लिथियम पॉलीमर बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। इस व्हीकल को ऑटो पायलट और मैनुअल दोनों ही मोड में चलाया जा सकता है। वहीं ये वायर की मदद से मदरशिप से कम्युनिकेट करते रहता है। डीएसआरवी जो भी देख रहा होता है उसे मदरशिप से लाइव देखा जा सकता है। इंडियन डिफेंस एनालिसिस की टीम KRI नागला सबमरीन में फंसे लोगों की सुरक्षा की कामना करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कारण जरूर बताएं, ताकि अगली बार हम वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद की सेना।